हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स का पार्ट टू, ये पार्ट वन नहीं है, पार्ट टू देखने वाले हैं। अगेन वही हम लोग 2017 का प्री का जो क्वेश्चंस है उसी का सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके स्क्रीन के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट बताया जाए तो उस कॉन्सेप्ट का नोट्स जरूर बनाएं। और उस कॉन्सेप्ट को मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है सिंपल वन लाइनर जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चलिए उसको सिंपली बता देता हूँ। बट कुछ कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसका मैं पूरा डिटेल आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसका नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि उस पे उस कॉन्सेप्ट पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप जरूर नोट्स बनाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा ये सीरीज। बहुत सारे लोगों का ये है कि भाई आप मैथ्स पढ़ाओ, फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो। तो भैया, कुछ रिक्वेस्ट या कुछ मन से ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ये फिजिक्स आपके सिलेबस में नहीं आता है। और 85% सिलेबस ख़त्म करवा चुका हूँ, तो 15% को आप देख रहे हैं कि 15% ख़त्म नहीं किया हूँ। और आई एम डैम श्योर कि आप लोगों में से हार्डली आप 3-4 चैप्टर भी कम्प्लीटली, मेजोरिटी पीपल जो है नहीं देखे होंगे। तो जो बना हुआ है कम से कम उसको पहले देख लीजिए। 15% के लिए इतना निगेटिव सोचने से अच्छा है कि 85% जो सिलेबस है आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली ले। ये नहीं कि 15% सिलेबस, 3 चैप्टर नहीं पढ़ा है उसके लिए आप इतना सारा कमेंट्स किए जा रहे हैं। चलिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे से जितना हो रहा है कर ही रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही चीज़ कर पाऊँगा मैं अकेले। जितना समय मिल पाता हूँ उतना ही कर पाऊँगा, ज़्यादा रिक्वेस्ट को मैं नहीं फुलफिल कर पाऊँगा। तो यदि आपको अच्छा लगे मेरा चैनल और मेरा काम, तो आईजी ट्यूटोरियल्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर पेमेंट का डिटेल्स आ रहा होगा। जो भी जितना भी यदि आप चाहते अपनी इच्छा से सपोर्ट करना तो कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का एसआई यूनिट जो साउंड ऑफ इंटेंसिटी होता है, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की प्रबलता का जो एसआई यूनिट होता है वो डेसिबल में होता है। डेसिबल आपको पता ही है, डेसिबल में होता है, क्योंकि ऑप्शन भी देखेंगे तो न्यूटन आपका फोर्स का हो जाता है, हर्ट जो है आपका फ्रीक्वेंसी का हो जाता है, और टेस्ला के बारे लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि बी जो आपको यहाँ पे फाई जो होता है बी ए कॉस थीटा होता है, बी को आप टेस्ला से डिनोट करते हैं। और टेस्ला इस तरह से बी यदि आप करेंगे तो फाई बटे एरिया हो जाएगा, यानी कि टेस्ला क्या होता है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसका यूनिट वीबर होता है। तो वीबर पर मीटर स्क्वायर जो है टेस्ला का यूनिट हो जाएगा, तो ये आपको मतलब टेस्ला का इक्वल टू हो जाएगा। तो ये चीज मैं डिटेल में आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा। लास्ट सेशन में मैंने आपको इसके लिए बताया था, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि ए मौसी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ए आपको येलो दे देता है, एम जो है मैजेंटा देता है और सी जो है सियान दे देता है, और तीन प्राइमरी कलर आरजीबी देखा था। फर्स्ट में आपको थर्ड वाला को गायब करना है, सेकेंड में सेकेंड वाला को, और थर्ड में फर्स्ट वाला को गायब करना है। तो यहाँ पे आपको नीले और हरा यानी कि ग्रीन प्लस ब्लू लेना है। ग्रीन प्लस ब्लू में रेड यानी कि फर्स्ट वाला गायब है, यानी कि ये चीज क्या दे देगा, थर्ड वाला। तो इसका आंसर सियान हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट लास्ट सेशन में ही बताया था कैसे याद करते हैं, पूरा डिटेल में मैंने इसको आपको बताया था। फिर भी यदि रिवाइज करना हो तो लास्ट सेशन का आप क्वेश्चन नंबर 24 को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है। सबसे पहले बात, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ऊपर की ओर यदि आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ही, वेलोसिटी भी
चूंकि जी नीचे लग रहा है यानी कि वेलोसिटी कम होते चला जाएगा, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी कम होते चला जाएगा। तो आपको एक चीज पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो ऊर्जा है उसको ना तो आप बना सकते हैं ना ही आप उसको विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो ए आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। यदि आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, कम होगा, लेकिन हाइट ऊपर जाने के कारण पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह से जो एनर्जी है ना वो आपको हमेशा उस बॉडी का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन फोर्थ तो नहीं होगा क्योंकि न्यूटन फोर्स का केल्विन टेम्परेचर का, वो भी एसआई यूनिट केल्विन टेम्परेचर का है। दो ऑप्शंस बच जाते हैं आपको, जूल और कैलोरी। अब आपको बता दें कि हीट एनर्जी, एनर्जी का जो आपका हमेशा यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो हमेशा जूल ही होता है। लेकिन थोड़ा सा यदि इस पे बात किया जाए तो ये स्पेसिफिक हीट क्यू जो होता है एम एस डेल्टा थीटा होता है, जहाँ पे एम क्या है, मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। चलिए तो अब इस चीज को देख लीजिए, क्यू जो है एम एस डेल्टा थीटा होता है, क्यू का जो हमेशा यूनिट एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है यानी कि हीट एनर्जी का, बट इसका यूनिट और भी होता है, कैलोरी भी होता है, और एक और यूनिट यूज में आता है बी टी यू यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसका एक और इसका यूनिट होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब यूनिट पे थोड़ा सा विचार कर ले तो पहला है कैलोरी, दूसरा है जूल, और तीसरा है बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब कैलोरी क्या है कि चूंकि आपको पता है क्यू बराबर एम एस डेल्टा थीटा होता है, यानी कि एक ग्राम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक डिग्री सी से बढ़ाने में जितना एनर्जी आता है उस एनर्जी को आप कैलोरी में बता सकते हैं। सिमिलरली जूल के लिए होता है कि एक किलोग्राम वस्तु का टेम्परेचर एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो जूल में आएगा। बीटीयू क्या होता है, ये आपका एफपीएस यूनिट में चला जाता है, यानी कि एक पाउंड ऑब्जेक्ट को एक डिग्री फारेनहाइट से टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो एनर्जी आता है उस एनर्जी को हम लोग बीटीयू में इसको शो करते हैं। अब एक और रिलेशन आता है कि एक कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, तो ये आपका 4.18 जूल होता है एक कैलोरी के बराबर। ये भी रिलेशन बहुत बार एसएससी ने पूछ चुका है, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल का नियम का ज्ञान होना चाहिए। और सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअल में पास्कल्स लॉ होता क्या है, पास्कल का नियम क्या होता है, तभी जाके इस क्वेश्चन को आप आंसर दे पाएंगे। हालांकि ऑप्शंस का कुछ ज़्यादा लेना देना पास्कल के नियम से नहीं है, बट ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं कि आपको जो रिलेटेड होगा पास्कल के जो भी चीज़ ज़रूरत है उसको आप आंसर मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले पास्कल का नियम बोला जाता है कि कोई भी लिक्विड यदि रेस्ट में है, संतुलन में है यदि कोई लिक्विड, तो द्रव के चारों तरफ बराबर दाब होता है, यानी कि जो लिक्विड होता है लिक्विड के चारों तरफ हमेशा इक्वल प्रेशर लगता है। यही पास्कल का नियम है कि किसी संतुलन में रहे हुए द्रव पे द्रव के चारों तरफ हमेशा समान दबाव लगता है। जैसे कि एक चीज मैं आपको बताऊं कि ए लिक्विड है, इस लिक्विड में
इस पॉइंट पे यदि पी का मान निकाला जाए तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर यदि नीचे की तरफ लाया जाए तो यहाँ पे होगा, वही प्रेशर इस डायरेक्शन में लाया जाए तो प्रेशर होगा सेम। यानी कि लिक्विड के अंदर हमेशा जो है हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रेशर समान होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और मैं इसको इलेबोरेट करूं तो जो पास्कल का लॉ है, पास्कल लॉ का यूज जो होता है हाइड्रोलिक से रिलेटेड जितना चीज आपको होगा उसमें होगा, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक चेयर हो गया, हाइड्रोलिक आपको ब्रेक जो लगाते हैं इंजन सब में वो हो गया, या और भी कुछ एग्जांपल यदि ले लिया जाए तो हाइड्रोलिक से रिलेटेड जितने भी उपकरण हम लोगों का होता है सारे के सारे पास्कल्स लॉ पे ही काम करता है। ऐसा क्यों काम करता है मैं उसका भी एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज इस तरह से हमारा कोई कंटेनर दिया गया है, चलिए इस तरह से कोई कंटेनर दिया गया है, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ पास्कल लिफ्ट का, सेम सिमिलर वे में हर जगह ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक फोर्स ये पूरा चीज़ जो है आपको लिक्विड से भरा रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये सारा लिक्विड से भरा रहता है। तो कोई फोर्स हम F1 लगा रहे हैं तो इस वाले जो लेफ्ट साइज में है उसका एरिया कम है, यानी कि A1 एरिया है, तो प्रेशर यहाँ पे भी पी पड़ेगा, तो लिक्विड सेम कनेक्टेड है तो यहाँ भी पी, हर जगह प्रेशर पी पड़ेगा। तो एक्चुअली प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पहले केस में F1/A1 हो जाएगा और दूसरे केस का एरिया ज़्यादा है तो इसका एरिया A2 ले लेते हैं, तो सेकेंड केस में प्रेशर क्या हो जाएगा F2/A2। अब ये चीज़ देख के तो लग रहा है कि A2 जो है हमेशा ग्रेटर होगा A1 से, ये चीज़ तो आपको क्लियरली पता है। अब चूंकि पास्कल लॉ से आपको क्या पता है कि प्रेशर जो है पहले पॉइंट में जितना है दूसरे भी राइट साइड वाले में भी प्रेशर उतना ही होगा, इसका मतलब कि F1/A1 = F2/A2। अब यदि F2 आप निकालेंगे तो F2 बराबर क्या आ जाएगा, F1 × A2/A1। अब एक चीज़ देखिए कि A2 इज ग्रेटर देन A1 है, इसका मतलब कि A2/A1 हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो F1 × G1 इसका कहने का मतलब कि F2 जो है हमेशा F1 से बड़ा होगा। तो ए पास्कल का नियम बोलता है कि चूंकि आपने यहाँ पे क्या कम फोर्स लगाया लेकिन ओवरऑल जो फोर्स उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ है ज्यादा, यानी कि ज्यादा मात्रा में फोर्स उत्पन्न हुआ है, फोर्स ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब है कि किसी भी हाइड्रोलिक उपकरण में आप कम प्रेशर या कम फोर्स लगा करके ज्यादा फोर्स आप उत्पन्न कर सकते हैं, ज्यादा फोर्स क्या कर सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत कम प्रेशर में लगाता है और कोई चीज बहुत बड़ा भारी सा सामान उठा लिया जाता है, यदि आप हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें तो इसीलिए काम करता है क्योंकि कम ही फोर्स लगाने से चूंकि पास्कल लॉ के अनुसार फोर्स ज्यादा क्रिएट होता है जिसके कारण ज्यादा चीजें उठ जाती है, उठाई जा सकती है। तो अब ये चीज पास्कल का नियम हो गया। अब हम लोग लौटते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या क्लाइंबिंग यानी पहाड़ वहाड़ चढ़ने में कोई लिक्विड का जिक्र है, नहीं। पैराग्लाइडिंग पता है आपको, ऊपर आकाश में हम लोग इस तरह से उड़ते हैं, इसमें भी कोई लिक्विड का जिक्र नहीं है। राफ्टिंग, इसमें लिक्विड है लेकिन क्या लिक्विड के अंदर की बात हो रही है, इसमें लिक्विड के अंदर तो नहीं हो रहा है, जो भी ये नाव वाव कुछ चला रहा है वो तो ऊपर ही है, इसका मतलब राफ्टिंग भी नहीं होगा। स्कूबा डाइविंग में जो गोताखोर है वो पानी के नीचे जाता है, इसका मतलब कि पानी के नीचे जाता है और पास्कल लॉ क्या कहता है, पानी के नीचे हर एक बिंदु पे हर एक दिशा में
रेस्ट में रहा हुआ लिक्विड हमेशा समान प्रेशर क्रिएट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्कूबा ड्राइविंग, स्कूबा ड्राइविंग। तो आई होप पास्कल का लॉ मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई शिफ्ट में यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो पास्कल के नियम का डिटेल आपको मैं बता दिया हूं, यूज कैसे होता है यूज का भी एक एग्जाम्पल बता दिया हूं कि क्यों कम फोर्स अप्लाई करने से आपका फोर्स जो ओवरऑल आउटपुट है वो ज्यादा क्यों आता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, छठा क्वेश्चन बोला है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ये आपको स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को आप देखिए, ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स। जस्ट अभी एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया था और हाइड्रोलिक लिफ्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन बताया था, तो क्या आप इस क्वेश्चन का मार्क कर सकते हैं आंसर? यस, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल्स लॉ प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसका मतलब कि ऑप्शन सेकेंड विल बी आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आपको पता चल जाएगा कि एक ही कॉन्सेप्ट पे कोई ना कोई शिफ्ट में हर एक साल, जैसे पास्कल्स लॉ हुआ या आपको मैंने प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन बताया या टेम्परेचर वाला लास्ट सेशन में बताया, तो कोई ना कोई शिफ्ट में दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में, एक क्वेश्चन उस शिफ्ट में। तो आई होप इसीलिए मैं बोला हूं कि जब भी कॉन्सेप्ट बताऊं उसको जरूर आप अपने नोटबुक में नोट करके उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर आठ बोला है हम लोग का कि एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल बिकेम इक्वल, यानी कि वह कौन सा ऐसा ताप है जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट का अंकीय मान समान होता है। तो इसका लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर यदि आप 10 देखेंगे तो उसमें पूरा मैंने डेरिवेशन करके बताया था, एफ माइनस 32/9 बराबर सी बाई 5 से, और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है -40 डिग्री। तो इस तरह से आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि जब भी किसी क्वेश्चन का मैं पूरा कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं, हालांकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट अभी शुरू भी नहीं किया हूं, बट किसी क्वेश्चन के लिए जिसका भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो उसका नोट आप जरूर बनाए अपने नोटबुक में, क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। मे बी सीजीएल में ना पूछे, सीएचएसएल में पूछ ले, सीपीओ में पूछ ले, बट बराबर इस कॉन्सेप्ट से तो हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट को, सब शिफ्ट को मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, और फिर मैं कॉन्सेप्ट वाइज तो शुरू करूंगा ही, पहले केवल 17th में प्री का क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा ही। आप लोगों का कमेंट भी आया था कि बेटर होता सर यदि आप केवल कॉन्सेप्ट वाइज बताते, तो अभी तो हम लोग प्री क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट वाइज जो है हम लोग फिर से शुरू करेंगे पूरा फिजिक्स का, तो इसके लिए ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th बोला गया है, यहाँ पे टाइपो एरर था एसएससी के द्वारा। क्वेश्चन है इंग्लिश में व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, और हिंदी में है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। पावर को हिंदी में अपन शक्ति बोलते हैं, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यदि आप हिंदी पढ़ के इसका आंसर देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जब भी हमेशा इंग्लिश और हिंदी में यदि लैंग्वेज गलत है तो इंग्लिश को हमेशा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार पावर पूछा गया है, पावर का आपको यूनिट पता है कि वाट होता है। यदि ऑप्शन पे भी देखा जाए तो बॉयल जस्ट एक इस किसी का यूनिट नहीं है, वाट पावर का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 10th, 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, यहां से भी बराबर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ कोल होता है, टाइप्स ऑफ कोल यानी कि कोयले का प्रकार टोटल 4 तरह का होता है। पहला होता है एंथ्रासाइट, ठीक है, दूसरा होता है आपको बिटुमिनस, तीसरा होता है आपको सब बिटुमिनस
सब बिटुमिनस, और चौथा टाइप इसका होता है लिग्नाइट। अब यहां से ये तो टाइप ऑफ कोल्स पूछे जा सकते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से बनाया जाता है कि प्योरिटी के अनुसार कि कौन सा ज्यादा प्योर है। तो कोयले की प्योरिटी डिपेंड करता है कि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन किस टाइप में कितना ज्यादा है। तो एंथ्रासाइट के लिए मैं बता दूं कि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 86 से लेकर के 97% तक होता है, जस्ट एक एवरेज एक व्यू है इसका। फिर बिटुमिनस में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 45 से लेकर के आपको 85 तक होता है। फिर तीसरा होता है सब बिटुमिनस, ये 35 से 45 के अप्रोक्स, यानी कि 45 या 44 ले लीजिए। और लिग्नाइट में आपको 25 से 35% कोयला होता है, यानी कि कोल का परसेंटेज होता है। ठीक है, जैसे कि पहले वाले में एंथ्रासाइट में, उसमें अलावा भी कुछ और मटेरियल्स होते हैं जो कि अवांछनीय पदार्थ हो गए, कुछ मटेरियल का कुछ मड वड मिला हुआ रहता है, तो ये प्योरिटी हो गया। तो प्योरिटी में परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे है, इसका मतलब कि यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कोयला कौन है तो एंथ्रासाइट, यदि आपसे इसका ऑर्डर पूछ लिया जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहला सबसे प्योर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयले की शुद्धता के अनुसार कौन सा क्रम सही है, तो ये भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कोल पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि कोयले की जो शुद्धता है, शुद्धता वो किस पे डिपेंड करता है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जिसमें जितना ज़्यादा है। चौथा इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो चीज़ है, चलिए थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं। चौथा टाइप जो यहाँ पे मेंशन होता है वो आपका पीट होता है। ये एक्चुअली जो है नॉट अ टाइप ऑफ कोल, यानी कि ये कोयले का टाइप नहीं है, फिर भी एक्चुअली ये होता क्या है, पीट। पीट एक्चुअली वैसा मटेरियल है, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रख के कोयला बनाया जाता है। यानी कि इसका मतलब कि आप बोल सकते हैं कि कोयला से जस्ट पहले जिस रूप में कोयला का पदार्थ रहता है उसको पीट बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि कोयले से जस्ट पहले क्या होगा, इसको जब पीट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे करके यदि अपन बनाते हैं तब वो कोयला का फॉर्म लेता है, तो ये पीट हो गया। और इस पे एक और बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन, कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है, कंट्री का भी नाम आपसे पूछ ले सकता है। तो इसका आंसर आपको चाइना होगा, चाइना में कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलिए अब हम लौटते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है, तो एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है। अब आप फंस जाते हैं पीट में और सीडेराइट में। तो पीट एक्चुअली टाइप नहीं है, लेकिन यदि आप ऑप्शन को देखेंगे तो सीडेराइट जो है आपको लौह उल्का एक्चुअली एक क्या है, एक आपको मिनरल है। सीडेराइट क्या है, आपको एक मिनरल है, जो मिनरल आपको एक्चुअली में क्या होता है, आयरन कार्बोनेट का होता है। क्या होता है, ये आयरन कार्बोनेट होता है। इसका यदि फॉर्मूला आपको मैं बताऊं तो FeCO3 होता है। इस सीडेराइट में Fe मतलब आयरन, फेरम आयरन की जो मात्रा है वो आपको ऑलमोस्ट 48% होता है। तो अब आप देखेंगे कि चौथा ऑप्शन का जो है कोयला से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, पीट एक टाइप नहीं है, बट पीट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देकर के कोयला जरूर बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 को भी सही मान लेंगे आप, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11th 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, पार्सेक डिस्टेंस, बैरल लिक्विड, लाइट ईयर, टाइम, कौन इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्सेक एक क्या है, पार्सेक एक यूनिट होता है, किसका, डिस्टेंस का यूनिट होता है। ये यूनिट क्या है, लेंथ का जो है यूनिट होता है, सॉरी। और ये चीज जो एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होता है, बहुत लार्जेस्ट डिस्टेंस, उसको दूरी को नापने के लिए अपन क्या करते हैं, पार्सेक का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नापने के लिए। तो ये जो पार्सेक होता है, वन पार्सेक पीसी से डिनोट करते हैं, ये एक्चुअली में 3.26 लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर मतलब कि प्रकाश वर्ष। तो ये भी एक रिलेशन है जो कि डायरेक्ट आपसे इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा है बैरल।
बैरल क्या है, बैरल जो होता है कि कच्चा जो आपका तेल हुआ या जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, इसको जो मापने के लिए हम लोग बैरल का यूज करते हैं। ये बैरल आपको मापने की एक इकाई हो गई। यदि यहाँ से भी एक चीज पूछा जा सकता है कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, तो ये आपको 159 लीटर होता है। तीसरा ऑप्शन है लाइट ईयर। लाइट ईयर बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि लाइट ईयर जो है एक्चुअली डिस्टेंस होता है कि प्रकाश जो है एक वर्ष में जितना दूरी तय कर लेगा वो आपका लाइट ईयर होगा। यानी कि लाइट ईयर एक्चुअली एक डिस्टेंस का यूनिट है। चूंकि ईयर लगा है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि लोग इसको बोलता है कि टाइम, बट एक्चुअली ये लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो एक वर्ष में जो लाइट है वो कितना ट्रेवल करेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक वर्ष में यदि आप टाइम बोलेंगे सेकेंड में, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या 365.25 डेज तो ले सकते हैं एक साल में। और एक दिन में 86,400 सेकेंड होता है, 86,400 सेकेंड हुआ। तो इसका मतलब कि 1 लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 3 × 10⁸ इंटू 365.25 इंटू 86,400। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये डिस्टेंस है यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर आपको 9.46 × 10⁻¹² किलोमीटर आता है। ये भी रिलेशन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो इस रिलेशन को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब आप देखिए कि बोला गया है डिस्टेंस, पार्सेक डिस्टेंस का है, बैरल लिक्विड के लिए होता है, लाइट ईयर टाइम के लिए नहीं होता है। इसका मतलब कि थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन वन ही दिया गया है, ऑप्शन थर्ड। ओनली थर्ड मतलब स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपर कूलिंग इज कूलिंग ऑफ लिक्विड डैश, यानी कि आगे क्या होगा, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट, अबव मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए कि तीन चीजें यहां पे होती है। पहला जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जिसको हम लोग हिमांक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग गलनांक बिंदु बोलते हैं या गलनांक बोलते हैं। तीसरा होता है आपको बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को आप लोग बोलते हैं क्वथनांक। चलिए अब यदि केवल वाटर के लिए ही बोला जाए तो इसका 0°C होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0°C होता है, और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 100°C होता है। बट मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा, फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लिक्विड जो है आपको सॉलिड का फॉर्म लेने लगता है। इसी का रिवर्स यदि बोले तो मेल्टिंग पॉइंट जो है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड का फॉर्म यानी कि गलना शुरू हो जाता है। और तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो लिक्विड है आपका वो गैस का फॉर्म लेने लगता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो 0.0°C है, बट मेल्टिंग पॉइंट जो है ये थोड़ा कुछ और फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये चीज़ डिपेंड करता है। तो हमेशा यदि आपको बोला जाए कि 0°C पानी का मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी। तो इसको यदि आप दिखाया जाए तो ये 0° से इधर वाला तो ये पूरा पोर्शन आपको फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा, ये जस्ट 0 प्लस पे आपको मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और 100° के पास आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ये वो जस्ट वाटर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब यदि यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सुपर कूलिंग का, सुपर कूलिंग मतलब कि आपको पता है कि अति शीतलन करना है, बहुत ठंडा करना है, तो एक्चुअली में वो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको उसको फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आपको टेम्परेचर उसका ले जाना पड़ेगा। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा आंसर, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एस, एट मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा, अबव मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा। यानी कि सुपर सुपर कूलिंग करने का मतलब है कि किसी भी लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे कर देना। और एक और कंडीशन है सुपर कूलिंग के लिए कि वो चीज़ जो है बिना किसी के सॉलिड बने हुए। सुपर कूलिंग का एक्चुअल डिफिनीशन होता है कि टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ले जाना है विदाउट बिकमिंग अ सॉलिड।
किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर के फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ले जाइए, बट वो ऑब्जेक्ट या वो लिक्विड जो है आपका सॉलिड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13th। 13वां क्वेश्चन बोला है, प्रकाश एक माध्यम से प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या बोलते हैं। अब ए आपका मान लीजिए रेयरर मीडियम है, ए डेंसर मीडियम है, ए आपका नॉर्मल है। यदि प्रकाश यहाँ पे हो रहा है तो ए नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो इस घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब अपवर्तन बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है, अपवर्तन ऑप्शन से फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14th। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त हो तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है। अब एक चीज बताऊं कि दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स का शेप ऐसा होता है। एलिप्स में आपको ए वाला चीज की बात की जाए तो यहां पे एक ए सेंटर होता है और दो फोकस होता है, यहां पे और यहां पे। सबसे शुरू में बात किया जाए तो बोला गया था जी जो ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है वो सर्कुलर पाथ में करता है। बहुत दिनों तक यही कंसेप्शन था, बट एक केपलर नाम के वैज्ञानिक आए, फिर केपलर ने बताया कि भैया ऐसी बात नहीं है, ये जो ग्रह है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार यानी कि एलिप्स के फॉर्म में जो है आपके रूप में दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिभ्रमण करती है, परिक्रमा करती है। अब इसमें बात हो जाएगा कि क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है कि ज्यादातर लोगों को लगेगा कि भाई सन के चारों तरफ यदि रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब सन जो है सेंटर में होगा, बट एक्चुअली सेंटर में नहीं होता है। इस चीज को सन जो है किसी न किसी फोकस पे ही रहता है, किसी न किसी फोकस पे ही रहता है सन हमेशा। तो इस चीज को आप दे लगा सकते हैं। यदि ऑप्शन से जाने की बात किया जाए तो सरकम सेंटर ट्रायंगल में होगा, इन सेंटर भी आप एक ढंग से ट्रायंगल में ही बोलेंगे, एलिप्स की बात जो है या सरकम सेंटर इन सेंटर आप सर्कल और ट्रायंगल का फॉर्म लेकर के आप बोल सकते हैं, लेकिन एलिप्स में केवल सेंटर होता है और आपको फोकस होता है। तो याद ये रखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, ज्यादातर लोग इसका आंसर सेंटर देंगे, बट जो सूर्य है वो दीर्घवृत्ताकार पथ के फोकस पे रहता है। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन बोला है कि द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, दोगुना होता है, सेम होता है, ज़्यादा होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो एक्चुअली फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, पहला तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दूसरा जो है आपको काइनेटिक यानी कि गतिज फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन कहने का मतलब फ्रिक्शन होता क्यों है, फ्रिक्शन एक्चुअली दो सरफेस के बीच में इररेगुलरिटीज के कारण होता है। किसके कारण होता है, इररेगुलरिटीज के कारण। अब दो सरफेस के बीच में जिसमें जितना ज़्यादा इररेगुलरिटीज है उसमें उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। थोड़ा सा मैं फ्रिक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में रखा गया है किसी सरफेस पे, तो इसमें आपने शुरू में 0 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी बात आपने अप्लाई किया सपोज 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये सरफेस भी इधर सिमिलर फ्रिक्शन लगा रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और 10 न्यूटन का फ्रिक्शन भी आपको मिल गया। फिर बोले कि भैया काम तो नहीं बन रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में आपने क्या किया 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बट स्टिल ए ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, तो यानी 50 न्यूटन का फोर्स फिर से अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स होगा। फिर आप बोलेंगे कि नहीं चलो थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं, तो अब आप इस केस में क्या किए, इस केस में आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन का लगेगा। अब एक ऐसा ये पॉइंट है कि जैसे ही 100 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स आप इस पे अप्लाई करेंगे बॉडी मूव करना शुरू कर जाएगा।
तो अब आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टैटिक फोर्स जो है हमेशा नॉर्मल फोर्स के समानुपाती होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हालांकि मैं बता सकता हूं, एक ही चीज़ यहां पे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो आपने देखा कि एक केस में 0 न्यूटन भी था, 10 न्यूटन भी था, फिर आपने 50 न्यूटन भी लगाया, फिर आपने 100 न्यूटन भी लगाया। इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं होता है, यह एक वेरिएबल है। इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है 0 से लेकर के स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एक आपका वेरिएबल है, चर राशि है। वहीं जहां तक बात किया जाए काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो 100 न्यूटन से जैसे ही आप बढ़ाएंगे, मान लीजिए इस केस में आपने 110 न्यूटन लगाया, ये बॉडी क्या करना शुरू कर दिया, बॉडी मूव करना शुरू कर दिया और बॉडी यहां पे आ गया। तो 110 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी अब चलना शुरू कर दिया। जैसे ही एक बार बॉडी चला उसके बाद जो है फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन बॉडी पे कब लगता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है या बॉडी मोशन में रहता है। तो इसका आंसर होगा कि जब बॉडी मोशन में रहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, और जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगता है। थोड़ा इसको और इलेबोरेट करें तो सपोज ए बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ए बॉडी एकदम रेस्ट में रखा हुआ है, तो जो इस मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स या एटम होगा और सरफेस का जो एटम होगा, इसमें एक बॉन्डिंग हो जाता है, जिस बॉन्डिंग के कारण आपको इसको मूव करने के लिए मैक्सिमम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आपने इसको मैक्सिमम फोर्स दे दिया, इसके बीच का जो बॉन्डिंग है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के कारण इसके बीच का फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से। यानी कि जो सर्पी घर्षण है, सर्पी घर्षण कहने का मतलब काइनेटिक घर्षण जो है हमेशा छोटा होता है स्थैतिक घर्षण से। इसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी बता दिया। तो यदि आप इसके लिए ग्राफ यदि देखना चाहेंगे तो ग्राफ भी मैं बता देता हूं शॉर्टकट में, कि चलिए इसको मान लेते हैं कि इधर जो है आपको फ्रिक्शन लग रहा है और इधर आपका अप्लाइड फोर्स है, कि कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो एक देखेंगे कि आप बढ़ाते जा रहे हैं फोर्स का मान। जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन का मान मैक्सिमम पे गया, बॉडी मूव करेगा और सीधा जो है ये चीज़ एकदम नियत वैल्यू से फ्रिक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा। तो इस यहाँ पे जो ये चीज़ बढ़ते जा रहा है वो आपका एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपका काइनेटिक यानी कि गतिज फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इससे पता चल गया कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से। एक और चीज़ यहाँ पे पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक वेरिएबल है, बल्कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो स्टैटिक और वेरिएबल फ्रिक्शनल फोर्स पे टोटल 4-5 क्वेश्चन आपको इजी एसएससी लेवल पे बनाए जा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 बोला, इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जब छठी या सातवीं क्लास में जब विज्ञान पढ़ना शुरू किए थे तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कि किसी भी वस्तु को खींचने या धकेलना जो है वो चीज़ बल कहलाता है। यानी कि पुश और पुल जो है एक्चुअली में फोर्स होता है। लिफ्ट तो नहीं बोल सकते, पिक भी नहीं बोल सकते, शट भी नहीं बोल सकते। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन बोला है कि गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। अब देखिए, न्यूटन्स
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु अपने पूर्व की स्थिति में तब तक बना रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, और उस लॉ को जो है इस प्रवृत्ति को जो है कि यदि वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोला जाता है, या इस चीज़ को हिंदी में जड़त्व या जड़ता बोलते हैं। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ जड़ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या इसको बोला जाता है। देखिए पेंडुलम, सपोज ए वाला आपका पेंडुलम है, अब इस पोजीशन पे आपने ले गया और ए वाला चीज यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां से लेकर के यहां पे आ गया, तो इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है, एक दोलन बोलते हैं, और इसमें जो टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड, यानी कि हिंदी में इसको आवर्त काल बोला जाता है, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। यदि सिंपल पेंडुलम के टी के लिए यदि फॉर्मूला देखा जाए तो टी एक्चुअली क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जहाँ पे टी क्या है, आवर्तकाल है, एल क्या है, एल जो है इस धागे की लेंथ है, और जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे 2 पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, इसका मतलब कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ एल। तो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि सरल लोलक में आवर्तकाल किस पे डिपेंड करता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल उस रस्सी के लंबाई पे ही केवल डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? केवल लंबाई पे डिपेंड करता है, जो कि आपको ये डेरिवेशन से भी पता चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 19th, अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है बहुत इजी पूछना शुरू कर दिया था। 2017 का यदि आपको ट्रेंड याद हो तो शुरू में आपको 13-14 तारीख तक इवन हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन, खास करके मैथ्स का क्वेश्चन टफ पूछा गया था, बाद में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके लिए लोग नॉर्मलाइजेशन का मांग कर किए, बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद 2018 से नॉर्मलाइजेशन लग भी गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का जो टफनेस है वो देख के पता चल जाएगा। अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इजी पूछा गया है। देखिए क्या बोला है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु के चाल को क्या बोलते हैं? समरूप चाल बोलेंगे। एक लाइन का क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की प्रबलता प्रायः इसके डैश से मापी जाती है। सपोज आपको बोला जाए 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, तो ए आपका क्या है, एक्चुअली में ए एक यूनिट है, ए न्यूटन एक यूनिट है, ए आपका मैग्नीट्यूड है। तो बल की जो प्रबलता है, स्ट्रेंथ है, वो किससे मापा जाएगा? आपको जनरली मैग्नीट्यूड से, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो बल उतना ही ज़्यादा प्रबल है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा जस्ट एक आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, क्या कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? वजन मतलब आपको वेट निकालना है, वेट जो एक्चुअल में क्या होता है, mg के बराबर होता है। अब आपको पता है कि जी ऑन मून क्या होता है, जी ऑन अर्थ का 1/6 होता है, तो यानी कि वेट अब आपको क्या हो जाएगा, m तो आपको कॉमन रहेगा हर जगह पे 60 kg, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब g/6 हो जाएगा। अब देखिए 6 से इसको काटेंगे 10 × 10 नॉर्मल अर्थ पे 9.8 लेते हैं, ऑप्शन देख के लग रहा है कि 10 लेना होगा, तो अब आपको क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन वेट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन बोला है कि वाहनों में पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं? ऑब्वियसली आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, क्योंकि ये रियल इमेज बनाता है और डायरेक्ट इमेज यानी कि सीधा इमेज बनाता है, इसलिए इसको साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन 23 बोला है, औसत वेग सूत्र में u + v/2 में u क्या है? एक्चुअली जो जनरली आप यदि देखेंगे तो जो फॉर्मूला होता है आपका
तीन फॉर्मूला जनरली, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू ए स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एक क्या होता है एक और फॉर्मूला इसमें, और तीसरा वी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और तीसरा होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, जिसमें आपको वी क्या है फाइनल वेलोसिटी होता है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी होता है, एस जो है डिस्टेंस होता है, ए जो है एक्सेलरेशन होता है। तो सेम यू प्लस वी यहाँ यूज किया है, तो यू पूछा है तो यू क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24th, 24वां क्वेश्चन बोला है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले वस्तु की चाल प्रवर्तित परिवर्तित होती रहती तो उस वस्तु के चाल, अब चूंकि इसका चाल स्पीड वैरी कर रहा है यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन जस्ट पीछे पूछा गया है, इसी को रिवर्स करके नॉन यूनिफॉर्म, एसएससी वाला अपना जस्ट पल्ला झा रहा है, पता नहीं फिजिक्स इतना वाइड है, इसको थोड़ा सा तो अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए जैसा कि और शिफ्ट में पूछा है, क्यों कहाँ से उठाता है पता नहीं, छोड़िए। क्वेश्चन 25, ये देखिए कितना हैंडसम क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जो घर्षण कम करे, भाई घर्षण कम करने वाला पदार्थ आपको क्या होता है लुब्रिकेंट्स होता है, लुब्रिकेंट्स मतलब हम लोग यूज करते हैं जो मोबिल हम लोग के इंजन में होता है या ग्रीस यूज करते हैं, सब लुब्रिकेंट्स होता है जिसके कारण फ्रिक्शन कम होता है, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु के गति के विपरीत हो, अब वस्तु इधर जा रही है और आप बल इधर लगा रहे हैं तो क्या बोला है वस्तु की गति क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली चूंकि वस्तु इधर जा रही है और आप फोर्स उसके अपोजिट लगा रहे हैं तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑब्वियसली घट जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड रुक, मतलब कि कम हो जाएगी उसकी गति, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो होता है आपको वेलोसिटी बाई टाइम होता है, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28th, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, तो एक्चुअली यही हम लोग के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 27th ही, अब टोटल आपको शायद 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि क्वेश्चन निहायती ईजी क्वेश्चन जो है आप बोल सकते हैं पूछा गया है, उसको भी हम लोग 20-25 मिनट में लेकर के कल ही मैं उस वीडियो को डाल के ख़त्म कर दूंगा 2017 वाला। हाँ आप देखेंगे कि इससे जो फर्स्ट पार्ट है और आज के सेशन में कुछ 13-14-15 क्वेश्चन तक फिजिक्स का लेवल जो है ठीक था, मैं नहीं जानता हूँ कि और भी सब्जेक्ट कैसे पूछे गए थे लास्ट के शिफ्ट में, बट फिजिक्स और कुछ देख करके मैथ्स भी बहुत ईजी पूछा गया था, तो ये 9 साफ़ी था उन बच्चों के लिए जो 17th में पहले दिए थे पेपर, कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 10 नंबर तो वेरी जरूर करेगा मिनिमम, चलिए इस डिबेट में नहीं पढ़ना है हमको, नहीं तो आपका कमेंट जो है बहुत सारा आने लगेगा कि कोई लोग जो होंगे लास्ट शिफ्ट में कम नंबर आए होंगे, तो इस डिबेट में नहीं पढ़ते हैं, सेशन को क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछने से अच्छा है कि आप आइदर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिए मेरे से, नहीं तो फेसबुक ग्रुप में पूछ लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर सकते हैं एसएससी मैथ्स बाई आईजीटी, या आप अपने उसमें @IGTMaths भी टेलीग्राम में यदि डालेंगे तो मेरे ही ग्रुप आएगा, ज्वाइन करके जो भी क्वेश्चन हो उसका स्नैपशॉट लेकर के आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही पूछते हैं कि सर सपोज मान लेते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 7 का 10वां क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है कि 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि आप उसका स्नैपशॉट देंगे तो मैं क्वेश्चन को देख करके आपको मदद कर सकता हूं कि अच्छा क्या दिक्कत है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।